मसलन इस वक्त हम बिल्ड एशिया 2022 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आए मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हैं उसका उन्हें कैसा रिस्पांस आ रहा है और क्या वो प्रोडक्ट्स लेकर आज एग्जिबिट कर रहे हैं। उमेर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं गोंदल इंडस्ट्रीज़ के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हमारे पास काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी रेलिवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आए हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, बाकी जो बिल्डिंग्स है एसोसिएटेड इंडस्ट्री है उससे भी लोग आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं बिल्डिंग के रिलेटेड, रूफिंग के रिलेटेड, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। गोंदल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है? गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बेसिकली चार मेजर डिविजन्स हैं। इसके अंदर एक प्रीकास्ट कॉन्क्रीट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद स्टील की बिल्डिंग्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके अलावा फाइबर ग्लास की प्रोडक्ट्स हैं हमारी और UPVC शीट्स। UPVC शीट्स हैं बेसिकली जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर क्लैडिंग के तौर पर लगती है और इट्स हाईली थर्मल एफिशिएंट है, इसमें गर्मी सर्दी नहीं आती है, इसको जंग नहीं लगता है, इसको किसी किस्म का केमिकल का अटैक नहीं होता है और ये कस्टमाइज लेंथ्स में आती है, 50 फुट 60 फुट अगर आपको शीट चाहिए तो वन गो में हम बना के दे सकते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान है सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो है वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और बड़ा अच्छा बूम भी आया था उसका, लेकिन वो उस तरह से मार्केट कैप्चर कर सकी आपकी नज़र के अंदर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, और उसका नज़र आम बिल्डिंग्स में नज़र नहीं आया, आम घरों के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आया? देखिए पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए आपको बहुत जल्दी उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अब चूँकि आपके फ्यूल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी लैंड की कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड की द वे यू यूटिलाइज द लैंड वो चेंज हो रहा है, ठीक है, एक जगह के अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को आप 10 चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या मे बी यू वांट टू रिमूव द बिल्डिंग एंड सेल द लैंड, उसके अंदर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स आर टेकिंग द फुट होल्ड, ठीक है। हम कराची के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियल, अभी तक इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, फैसलाबाद के अंदर आपका फेडमैक जो बन रहा है सारा जो काम है वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, उसके बाद लाहौर के अंदर आपकी जो बड़े इंडस्ट्री है वो अडॉप्ट कर रही है, इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज द फर्स्ट अडॉप्टर्स। घरों के अंदर अभी तक देखें पाकिस्तान के अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल हैं जो मुझे लगता है, अभी LGFS की 3 कंपनीज आई हुई हैं इस एग्जीबिशन के अंदर जो कि लाइट गेज फ्रेमिंग स्टील में घर बना रही हैं, एक ये बिल्कुल आपके सामने जैसे ये बन रहा है। अब इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा बड़ा इशू मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक LGFS के हाउसिंग का कोड नहीं बन सका इस मुल्क के अंदर, के जो प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर्स बना के हाउसिंग की इसके ऊपर कोई बिल्डिंग कोड नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग कोड्स वगैरह इसके डिफाइन कर दे और फ्री प्लेइंग फील्ड दे दे लोगों को तो डेफिनेटली बहुत जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा सकेगा। सेकेंडली जो मेजर फ्लड्स आए हैं, मेजर फ्लड्स में आपकी इतनी सारी हाउसिंग जो आपकी डिस्ट्रॉय हुई है उसको आप इतनी जल्दी बना ही नहीं सकते किसी और कन्वेंशनल सिस्टम से, अभी तक हम भट्टे की ईंट, ब्लॉक का प्लांट, बड़ी बड़ी फाउंडेशन, वो काम अब जमाने पुराने हो गए हैं। फ्यूचर इज LGFS, PEB, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स, कंपोजिट मटेरियल के साथ घर बनाना, जैसे पूरी दुनिया ने इसके ऊपर अडॉप्ट किया है। आई एम वेरी होपफुल पाकिस्तान विल सून डू दैट, इफ दे हैवंट डन इट ऑलरेडी दे विल डू दैट सून। अच्छा, ये जो इस वक्त इंडस्ट्रीज में इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, क्या आपकी इंडस्ट्री भी उससे मुतासर हुई है और आपने क्या उसको किस तरीके से देखा? जी हम उससे मुतासर तो हैं बट इन अ गुड वे, ठीक है, क्योंकि हम ये शीट बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेड इन पाकिस्तान, इस हमें एज अ नेशन इस तरफ जाना चाहिए कि देखें चाइना, टर्की, आप उन इकोनॉमीज़ के अंदर क्यों अपना पैसा डालेंगे जब आपको मुल्क के अंदर चीज़ मिल रही है, ठीक है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज लोहा पाकिस्तान के पास अपना नहीं है, आप लोहे की प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव ढूंढने गए हैं, जैसे UPVC एग्जैक्टली लोहे का अल्टरनेटिव है और वो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी रॉ मटेरियल से बनी हुई प्रोडक्ट है, तो हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जब इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी है डेफिनेटली पीपल हैव कम टू अस एंड पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस इन पाकिस्तान, तो इसके लिए थोड़ी सी ये टू वे स्ट्रीट है, पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बनी हुई प्रोडक्ट्स को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो इसका हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है, होपफुली बाकी सब भी इस डायरेक्शन के अंदर आए कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को समझे और पाकिस्तान की क्वालिटी अगर प्रोडक्ट्स की पुअर है उनको बेहतर करने की कोशिश करें, इंस्टेड कि हम अपना हार्ड अर्न मनी जो है डॉलर्स के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर रख दें। थैंक यू वेरी मच सर।